आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी हिंदी के उन प्रश्नों को देखेंगे जो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आज का जो चैप्टर होगा ये होगा संज्ञा। संज्ञा से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का टेस्ट देना या फिर इस तरह की कंबाइंड वीडियो देखना या फिर इन्हीं वीडियो को देखना, तो आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो ये संज्ञा का एक ही भाग होगा, क्योंकि संज्ञा से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। केवल 27 क्वेश्चन आज तक यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हैं और हम उन्हीं को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता, यहाँ पे आपके ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थक क्रिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक भर्ती पुनर्परीक्षा 31/5/2019 में। देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे मनुष्यता, तो यह एक भाववाचक संज्ञा है, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे कि मिठास, मानवता, इसके अलावा मनुष्यता आपने देख लिया, बुढ़ापा, तो ये सारे जो शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें पहले वाले में आपको भाववाचक बताना था, इसमें बताना है कि भाववाचक नहीं है। तो देखिए, इसमें से आपका सही उत्तर होगा सोना। ये जो राज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मिसटाइपिंग है, तो ये सोना आपका सही उत्तर होगा। सोना को अगर आप छोड़ दें तो मनाही, विद्यता और खुशी तीनों भाववाचक संज्ञा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा। आप ऑप्शन पे मत गौर करिए, जो शब्द है उस पे गौर किया करिए। क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। जो भाववाचक संज्ञा होती है यह कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, ये बनती है 5 प्रकारों से। कौन कौन? पहला है जातिवाचक, मतलब कि जो जातिवाचक संज्ञाएँ होती हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पंडिताई, पंडिताई किससे बना है? पंडित से। इसी तरह बुढ़ापा, बुढ़ापा किससे बना है? बूढ़ा से। तो इस तरह जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा होता है सर्वनाम से, सर्वनामों से, सर्वनामों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि अपनापन, अपनापन, अपना, अपना जो सर्वनाम है उससे ये शब्द बना है। तीसरा होता है इसमें आपका विशेषण, मतलब कि विशेषण से भी बनता है, विशेषण, और विशेषण का से जो शब्द बनता है ये है मिठास, जो कि मीठा से बना है। इसके अलावा हमने आपको 5 तरह का बताया, तो चौथा होता है अव्ययों से, अव्यय, अव्ययों से बनता है। जैसे कि धिक्कार है, धिक्कार धिक से बनता है, और उसी तरह एक पांचवा है क्रियाओं से, क्रियाओं से, जैसे कि लेख, लिखना से लेख आ गया, चढ़ना से चढ़ाई आ गया। तो इस तरह जो भाववाचक संज्ञा होती है 5 प्रकारों से बनती है, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रियाओं से। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया था स्टेनोग्राफर के परीक्षा में, जिसका एग्जाम डेट है 10/3/2019। ये वीडियो देखने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आगे जो एग्जाम होने वाले हैं वहाँ के लिए आपकी तैयारी अच्छी होगी, संज्ञा को लेकर या फिर किसी भी चैप्टर को लेकर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है हिमालय, क्योंकि यहाँ पर किसी खास पर्वत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम केवल पर्वत बोलते तो ये भाव जातिवाचक संज्ञा हो जाता, मतलब कि किसी भी पर्वत को हम पर्वत बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पर्वत का नाम रखा गया है हिमालय, जिसकी लंबाई है 8848 मीटर, तो इसको कहा जा रहा है, तो यह एक व्यक्तिवाचक है। अगला है कि लड़का कौन सा संज्ञा है। लड़का, देखिए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो लड़का एक पूरी जाति का वो बता रहा है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका नाम राम, श्याम, घनश्याम कुछ भी हो, वो लड़का है। तो यहाँ पे जो ये लड़का शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक के बारे में आपको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है,
जैसे कि नदी की बात करें या फिर पहाड़, अभी आपने देखा घर, अगर हम कहें कि घर तो कोई भी घर, यानी कि यह या जो घर है पूरा अपना एक समूह बनाता है, समूह मतलब कि पूरे एक जाति का एक बोध करता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे देखिए, व्युत्पत्ति मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ से ये निकलता है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 2, 3, 5, 6, लेकिन ये होता है केवल 3। कौन कौन? तो रूढ़ संज्ञा, संज्ञा, और दूसरा होता है यौगिक संज्ञा, तीसरा होता है योग रूढ़ संज्ञा। देखिए अगर रूढ़ की बात करें तो ऐसे जिनका जिनको तोड़ने पे कोई अर्थ ना निकले लेकिन खुद का अर्थ हो, जैसे कि कृष्ण, गंगा। अगर यौगिक का देखेंगे तो यौगिक का मतलब कि जोड़ करके बनाए गए हों, जैसे कि पाठशाला, शाला मतलब कि जहाँ पे काम होता है, और पाठ मतलब कि पढ़ने का, यानी कि ये पाठ और शाला को जोड़ करके बनाया गया है। और तीसरा ये जिनका एक खास अर्थ निकलता हो, जैसे कि पर्यायवाची या पढ़ते हैं, जैसे जलज कमल को कहते हैं, लंबोदर ये गणेश भगवान को कहते हैं, तो ये दोनों हो गए योग रूढ़। मतलब कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला होता है रूढ़ संज्ञा, दूसरा होता है यौगिक संज्ञा, और तीसरा होता है योग रूढ़। ये क्वेश्चन पूछा गया था कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ये जूनियर असिस्टेंट 19/2/2019 में पूछा गया था कि अर्थ के आधार पर बताइए। देखिए अर्थ के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये संज्ञा होती है 5 प्रकार की, और जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है, बेहद आसान है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है। यहाँ पे एक पूरा विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि संज्ञा नहीं है। संज्ञा का परिभाषा आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सभा एक समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा एक समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा है। ये तीनों एक समूह को बताते हैं, मतलब कि ये कहा जाए कि वहाँ पे एक सभा हो रही है तो सभा में एक या फिर दो व्यक्ति तो होंगे नहीं, अगर एक या दो दो व्यक्ति होंगे तो उसे सभा नहीं कहेंगे, जाहिर सी बात है कि वहाँ कुछ ज़्यादा लोग होंगे। कक्षा, कक्षा मतलब कि कक्षा में तो एक होगा नहीं पढ़ने वाला, यहाँ पर भी 5, 6, 10, 20, 50 हो सकते हैं, उसी तरह वहाँ लोगों की भीड़ लगी है तो भीड़ में भी कई लोग होते हैं, यानी कि ये तीनों शब्द समूहवाचक हैं लेकिन दौड़ समूहवाचक नहीं है, और यहाँ पे आपको वही बताना था। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसे शेयर भी किया करिए, ताकि और भी लोग यहाँ तक आ पाएँ, इस वीडियो को देख पाएँ, और हम इस तरह आपके लिए पूरा रीजनिंग हिंदी और GK कवर कर पाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक देखना है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे खटाई है, मिठाई है, दूध है और ठंड है, तो खटाई ये द्रव्यवाचक मतलब कि ऐसा जो कि एक द्रव्य का आभास करे, तो ये है केवल दूध, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसे, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 शिफ्ट सेकंड में। गाय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो गाय देखिए पूरे एक जाति को बताती है, कोई भी गाय हो, काली नीली मोटी पतली सभी गाय ही है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि अगर हम कहें मोर, किसी भी मोर को मोर कहते हैं, किसी भी शिक्षक को शिक्षक कहते हैं, किसी भी मंत्री को, चाहे वो जल मंत्री हो, सेना मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो उसको मंत्री कहते हैं, घोड़ा को हम किसी भी घोड़े को घोड़ा कहते हैं, तो ये होते हैं सारे जातिवाचक। ग्राम विकास अधिकारी 23/12 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था। अगला है कि निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा है, देखना है कि भाववाचक संज्ञा है, दिल्ली, लड़का, मोहन और बीमारी। तो देखिए दिल्ली एक व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि एक शहर का नाम है, लड़का एक जातिवाचक होगा क्योंकि एक जाति का बोध करा रहा है, मोहन एक व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि यह एक व्यक्ति है, ये जाति है, ये भी व्यक्ति है, लेकिन जो बीमारी है यह एक भाववाचक संज्ञा है। ग्राम विकास अधिकारी के 23/12/18 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि संज्ञा कौन है, तो आसमानी
नियमित और पाश्चात, ये तीनों नहीं है, लेकिन अगर आप अनुशासन को देखेंगे तो यह एक संज्ञा है। ये तीनों विशेषण हैं लेकिन यह एक संज्ञा है। ग्राम विकास अधिकारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से बताइए कि संज्ञा कौन है, हरा, पहला, पतला, सभा या फिर गहरा। तो संज्ञा बताना है कि संज्ञा कौन है, तो सभा एक समूहवाचक संज्ञा है और यही आपका सही उत्तर होगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि हरा क्या है, पतला क्या है, गहरा क्या है, तो ये तीनों विशेषण हैं। विशेषण इसलिए क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि कोई चीज़ कैसा है तो हरा है, राम कैसा है तो पतला है, लाल गहरा है, तो ये विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये तीनों विशेषण होगा। अगला है कि अचूक विशेषण के साथ उपर्युक्त संज्ञा कौन सी है। आपके ऑप्शन है चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा आपको बताना है संज्ञा जो कि अचूक के साथ लगाया जाए। तो अचूक चोट नहीं लगती, अचूक नेत्र नहीं होता है, लेकिन अचूक निशाना जरूर होता है। मतलब कि ऐसा निशाना जो कभी चूके ना। ये क्वेश्चन वनरक्षक परीक्षा 2012-2018 में पूछा गया था। यहाँ पे 2 सेकंड टाइम मिल रहा है, चाहे तो आप बीच में अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। जरूर कमेंट करके बताइए अगर आपको आता है तो। पशु चर रहे हैं, इसमें जो रेखांकित पद है, मतलब ये पशु वाला, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक के पेपर में पूछा गया था, तो आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है तुरंत। देखिए पशु से क्या हो रहा है, ये एक जाति का बोध करा रहा है कि मतलब किसी भी जानवर को, जैसे जिसको हम पालते हैं उसको हम पशु बोलते हैं, तो एक पूरे जाति को बता रहा है, तो ये जातिवाचक होगा। चलिए एक शब्द हम बताते हैं, उसको बताइएगा कि वो कौन सी संज्ञा है। ये कौन सी संज्ञा है ये आपको कमेंट करके बताना है। पशुता, पशुता कौन सी संज्ञा है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बापा, बापती, बपौता, बपौती। ये पूछा गया था वनरक्षक में। लो इसका सही उत्तर होगा बपौती, बपौता कोई शब्द नहीं होता। अगला है कि निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है, गंगा, पुराना, नीला, मोटा। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे पुराना, नीला और मोटा ये किसी न किसी की विशेषता बताते हैं, लेकिन गंगा एक संज्ञा है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है कि जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। क्षेत्रीय युवा कल्याण में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि अभी आपने देखा पशु, नदी, गाड़ी, तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं ये होते हैं जातिवाचक। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। यहाँ पे स्वतंत्रता शब्द के नीचे अंडरलाइन है, आपको बताना है कि इसमें भाववाचक संज्ञा, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी, गुणवाचक होगी। तो इसको तो हमने बता ही दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मिठास है, घृणा है, बुढ़ापा है, उसी तरह स्वतंत्रता है और यह है भाववाचक। लोअर टू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। थोड़ा सा ऑप्शन बड़े बड़े हैं, तो पढ़िए और 2 सेकंड के अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अमीर, गरीब, समूह, मिठास, तो कुछ शब्द तो हैं लेकिन कुछ विशेषण वाले भी शब्द हैं, जैसे कि अमीर एक विशेषण शब्द है, गरीब भी विशेषण शब्द है, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपका नहीं होगा पहला। दूसरा जवानी, खटास, पुस्तक और गंगा, तो इसमें कुछ शब्द हैं लेकिन कुछ शब्द नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये भी नहीं होगा, और ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, तो इसमें रसीला भी है और इसके अलावा कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, यही होगा तीनों, इसके सभी शब्द हैं। ये ग्राम पंचायत अधिकारी में 4/12/2016 में पूछा गया था। इसमें बताइए कौन जातिवाचक है, कामायनी, आम, रसीला और वकील। तो इसमें आप देखेंगे सही से तो जातिवाचक मतलब कि वकील ही होगा, क्योंकि
मतलब किसी भी वकील को हम वकीली कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक मतलब किसी का नाम हो, तो यही तो आपको बताना है, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें ये भाववाचक हो गया है, तो ये तो होगा नहीं। लखनऊ ये तो ठीक है, आम ये जातिवाचक हो गया है, ये भाववाचक हो गया है, ये भी नहीं होगा। ममता वकील पुस्तक, तो ये भी नहीं होगा। आपका सही उत्तर होगा राम, रामचरितमानस और गंगा। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। लोअर वन में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए किसी भी राज्यपाल को आप राज्यपाल कहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, केरल का हो, असम का हो, गुजरात का हो, कहीं का हो, तो ये पूरे एक जाति को बोध कर रहे हैं, तो ये होगा जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक, तो भारत, लड़का, मित्रता और पेड़। तो भारत एक व्यक्तिवाचक है, लड़का एक जातिवाचक है, मित्रता एक भाववाचक है, और यही आपको बताना था, वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया था। चलिए कमेंट करके बता दीजिए पेड़ क्या है, पेड़ कौन सी संज्ञा है, कमेंट करके बताइएगा। और इस चैप्टर के लिए मतलब इस संज्ञा के लिए दूसरा क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है, इसमें गरीब शब्द क्या है, विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, विशेष्य है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो यह है जातिवाचक संज्ञा, मतलब कोई भी गरीब को हम गरीबी बोलते हैं। अगला है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें जो रेखांकित शब्द है मतलब कि बुढ़ापा, आपको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो देखिए बुढ़ापा को हम बता चुके हैं कई बार, और यह है भाववाचक। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, लड़का दौड़ता है। तो देखिए लड़का दौड़ता है, तो लड़का एक पूरे जाति को बोध करता है, हम कई बार बता चुके हैं। तो ये परिचालक भर्ती परीक्षा 23/8/2015 में पूछा जा चुका है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। देखिए अगर जवान को देखेंगे तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है, बालक भी है, लेकिन सुंदर एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये तो विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, सुंदर है, कुरूप है, तो ये विशेषण है। और अगर विशेषण है तो यही बताना था यहाँ पे आपको। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में सबसे पहले शेयर करिए, इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। इससे क्या होगा कि आप इसका ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, नीचे UP SSC का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो भी कंबाइंड वीडियो होगी मतलब कई वीडियो को ऐड करके वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, और एक एक वीडियो को भी यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।